हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज फिर से हम लोग एक एसी सर्किट का प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। इस प्रॉब्लम का खासियत है ये कि इस प्रॉब्लम को पहले हम लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद उस फेजर डायग्राम से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज आवर प्रॉब्लम। देखो प्रॉब्लम में क्या है, ए करंट ऑफ 5 एम्पीयर फ्लोस थ्रू ए नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस। नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस मींस प्योर रेजिस्टेंस, ओके, इन सीरीज विद अ चोकिंग कॉइल। चोकिंग कॉइल इज नथिंग बट द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, ओके। चोकिंग कॉइल व्हेन सप्लाइड एट 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज, दैट मींस अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन दैट इज 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ओके। इफ द वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल इज 200 वोल्ट, दैट मींस कॉइल के अक्रॉस में जो वोल्टेज है, सिर्फ कॉइल के अक्रॉस में वो 200 वोल्ट है। कैलकुलेट इंपीडेंस रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल, पता है राइट, द पावर एब्सॉर्ब बाय द कॉइल एंड द टोटल पावर। ड्रॉ द वेक्टर डायग्राम। वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज 125 वोल्ट, ओके, दैट मींस कॉइल के अक्रॉस में 200 वोल्ट है और रेजिस्टेंस के अक्रॉस में 125 वोल्ट है। ठीक है, सो पहले सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। सर्किट डायग्राम में देखो क्या है, एक रेजिस्टेंस, नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज विद अ चोकिंग कॉइल, राइट, अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन देयर इज 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, ओके। This is R1, R2 and L, okay? यह है coil, okay? Across the coil क्या है 200 volt and across the resistance 125 volt. Clear? समझ में आया? Across the coil 200 volt, across the 125 volt, across the resistance 125 volt, okay? अब देखो क्या है, हम लोगों को क्या निकालना है, ये R1, R2 और XL का वैल्यू। यहाँ पे देखो क्या दिया है, रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, रिएक्टेंस मीन्स XL, तो XL का वैल्यू निकालना है, R2 का वैल्यू निकालना है और R1 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, उसको नहीं चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये R2 और L एंड पावर एब्जॉर्ब बाय द कॉइल, दैट मींस कॉइल जो पावर एब्जॉर्ब कर रहा है वो, एंड द टोटल पावर, ओके। नेक्स्ट इज द ड्रॉ द वेक्टर डायग्राम, ओके। सो हम लोग पहले ही वेक्टर डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, 200 वोल्ट एंड 125 वोल्ट, दैट मींस वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल एंड वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस। सो वेक्टर समेशन ऑफ 200 एंड 125 will be 250, it is very easy, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टेंस है, तो ये जो दो वोल्टेज है, ये इसका वेक्टर सम अगर हम लोग लेंगे तो क्या आएगा, टोटल वोल्टेज 250, राइट। तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, सपोज दिस इज 125 वोल्ट एंड 125 वोल्ट के अलोंग में क्या रहेगा, ये जो सर्किट करंट, क्योंकि करंट और जो वोल्टेज होता है रेजिस्टेंस के लिए वो सेम फेज में रहता है, सो इसी एंगल में करंट रहेगा। सो करंट एज इट इज इंडक्टिव इन नेचर, सो करंट क्या करेगा, वोल्टेज को, ये जो 200 वोल्ट है इसको लैग करेगा, दैट मींस 200 वोल्ट जो है वो करंट को लीड करेगा, ओके। दिस इज 200 वोल्ट, ओके, 200 वोल्ट एंड वेक्टर समेशन ऑफ दिस एंड दिस इज नथिंग बट 250 वोल्ट, ओके, हो गया। नाउ देखो ये क्या है, ये जो 200 वोल्ट वोल्टेज है कॉइल के अक्रॉस में, दिस इज कंसिस्ट ऑफ दिस VR2 एंड VXL, ओके, दैट मींस VL, ओके। So, ये VR2 किस डायरेक्शन में होगा, करंट के डायरेक्शन में ही होगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, सो करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस सेम फेज में रहेगा, ओके,
ओके नाउ ये जो इंडक्टेंस है इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो करंट को 90 डिग्री एज बिकॉज इट इज प्योर इंडक्टेंस ऑन 90 डिग्री लीड करेगा ओके सो दिस इज वी आर टू एंड दिस वन इज वी एल समझ में आया इन दोनों का वेक्टर सम क्या है 200 वोल्ट ओके सो इन दोनों का ये सभी वेक्टर है वेक्टर सम क्या है 200 वोल्ट तो ये हो गया हमारा पूरा वेक्टर डायग्राम ओके नाउ इसको एक बी सी नेम दे देते हैं डी ओके सो इस वेक्टर डायग्राम से देखो क्या हम करते हैं मान लो अगर ये फाई है तो दिस इज ऑल्सो फाई ओके फ्रॉम दिस वेक्टर डायग्राम वी कैन राइट प्लस ओके एज बिकॉज बी सी डी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल सो वी कैन राइट डी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू 200 स्क्वायर ओके नेक्स्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं देखो ये जो पूरा ट्राइंगल है ए सी डी यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू टू सॉरी 250 स्क्वायर क्लियर नाउ एसी इज नथिंग बट हम लोगों के पास ए बी का वैल्यू है 125 सो 125 प्लस बी सी सो इसको हम लिखेंगे 125 प्लस बी सी तर होल स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू 250 स्क्वायर So this is equation 2 and this is equation 1. Okay. Now, equation 2 minus equation 1. क्या है? Equation 2 से अगर हम लोग equation 1 को subtract करेंगे, तो हम लोग को क्या मिलेगा? देखो, 125 plus BC, तार whole square, ये CD square और CD square cancel out हो जाएगा. माइनस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 250 स्क्वायर माइनस 200 स्क्वायर राइट नाउ ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सिमिलरली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सो हम लोग क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी राइट सो यहां पे लिखो 125 प्लस बी सी प्लस बी सी into 125 plus BC minus BC equals to 250 plus 200 into 250 minus 200 आ गया right इसको हम कैसे लिख सकते हैं देखो 125 plus 2BC into 125. Okay. 250 plus 200 that is 450 into 250 minus 200 that is 50. Okay. Now 125 into 125 क्या आता है देखो 125 into 125 that is 15625 15625 plus 125 into 2 that is 250 BC equals to 450 into 50 that is 22500 22500 ओके यहां से हम लोग बीसी का वैल्यू निकालेंगे बीसी इज नथिंग बट 22500 माइनस 15625 डिवाइडेड बाय 250
है कि नहीं। देखो ये इस तरफ चला गया, सो माइनस हो गया 225,000 माइनस दिस डिवाइडेड बाई दिस, राइट। सो ये क्या आएगा, देखो 225,000 माइनस 15625 इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाई 250, दैट इज 27.5। ओके, इसका यूनिट होगा वोल्ट। ओके, नाउ सीडी का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं कि बीसी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर इक्वल टू 200 स्क्वायर। सो बीसी का वैल्यू पता है तो सीडी का वैल्यू, सो फ्रॉम इक्वेशन वन सीडी इक्वल्स टू रूट अंडर 200 स्क्वायर माइनस 27.5 स्क्वायर। ओके, वोल्ट। ओके राइट, हो गया। सो हम लोग के पास क्या है, देखो बीसी दैट मीन्स वी आर टू एंड सीडी दैट मीन्स वी एल। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इंपीडेंस रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। इंपीडेंस मीन्स टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। ओके, सो यहां पे देखो 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है थ्रू द होल सर्किट, राइट। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं फॉर क्वेश्चन नंबर वन, इंपीडेंस जेड इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाय 5, that means 40 ohm, clear। now from, now हम लोग क्या लिख सकते हैं R2 क्या है, देखो R2 is nothing but VR2 divided by I, VR2 divided by I, है कि नहीं। so VR2 का वैल्यू क्या है, देखो 27.5, so 27.5 divided by 5 क्या आएगा, देखो 27.5 divided by 5 that is 5.5 एतो ओम। ओके, नेक्स्ट इज XL, XL का वैल्यू क्या है, सिमिलरली VL divided by I, राइट। सो VL इज 198.1 divided by 5, so 198.1 divided by 5 that is 39.62 ohm। हो गया, तो जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर आ गया, देखो इंपीडेंस रेजिस्टेंस रिएक्टेंस, क्लियर। नेक्स्ट देखो क्या है, पावर एब्सॉर्ब बाय द कॉइल, ओनली कॉइल, सो B का पावर एब्जॉर्ब बाय द कॉइल क्या होगा, VI cos phi। कॉइल के अक्रॉस में कितना वोल्टेज है, 200 इंटू 5। अब cos phi क्या है, रेजिस्टेंस बाय इंपीडेंस। सो ये कॉइल के लिए रेजिस्टेंस मींस BC डिवाइडेड बाय 200, राइट। सो BC मींस देखो क्या है, 27.5 डिवाइडेड बाय 200। So, क्या आ गया, देखो ये 200 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 27.5 इंटू 5, 27.5 इंटू 5 दैट इज 137.5 वाट, दैट इज 137.5 वाट। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, देखो टोटल पावर, टोटल पावर की टोटल अगेन वी आई कॉस फाइव, भी क्या है टोटल वोल्टेज 250, करंट क्या है 5 और cos phi means AC by AD, so 120 plus 27.5 divided by 250, okay, so 125 plus 27.5
इनटू 5 दैट इज 762.5 क्योंकि ये 250 और 250 कैंसिल आउट हो जाएगा सो 762.5 वाट हो गया सो देखो तीन जो क्वेश्चन था उसका आंसर हम लोगों को मिल गया कि इंपीडेंस रेजिस्टेंस रिएक्टेंस पहला क्वेश्चन ये सेकेंड क्वेश्चन इज द पावर एब्जॉर्ब बाय द कॉइल दिस वन एंड थर्ड इज द टोटल पावर ओके और ये वेक्टर डायग्राम है ये है ओके तो हम लोग वेक्टर डायग्राम से भी ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर सकते हैं ये हम लोगों ने इस प्रॉब्लम में देखा ओके सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो If you like this video, then like the video and those who are new in this channel, please subscribe the channel and share it with your friends. Milte hain agle video mein, tab tak ke liye tata and goodbye.